और ग्वालियर के किला गेट इलाके में स्थित एक कंट्रोल की दुकान पर जांच पड़ताल में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। गरीब और कमजोर वर्ग के लिए बटने वाला चावल और गेहूं बड़ी मात्रा में यहां से गायब मिला है। दरअसल अंकुर मुद्गल द्वारा शासकीय उपभोक्ता भंडार किला गेट इलाके में तानसेन नगर में चलाया जाता है। खाद्य विभाग से मनोरमा कौशिक यहाँ जाँच करने के लिए पहुंची थी। भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान में POS मशीन से स्टॉक का मिलान करने पर 12.30 क्विंटल चावल और करीब 2 क्विंटल गेहूं कम पाया गया है। कलेक्ट्रेट की खाद्य शाखा की शिकायत पर कंट्रोल के संचालक आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। अब जो स्टॉक था वो फसित स्टॉक से मिलान करने पर चावल 1200 12 क्विंटल 68 किलो और गेहूँ 1 क्विंटल 90 किलो शॉर्टेज पाई गई थी, जिसके पुलिस थाना ग्वालियर में जो है FIR दर्ज करवाई गई है। सर, इसको दुकान सस्पेंड की जाएगी कि दुकान की अभी उसी पर चलेगी? दुकान सस्पेंड हो गई, अटैच कर दी गई है और इसके बाद में जो है ये FIR की कार्रवाई। ग्वालियर किला गेट थाने पर जो है खाद्य अधिकारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनके द्वारा तानसेन नगर की जो शासकीय मूल की दुकान है वहाँ पे फिजिकल चेकिंग की गई। फिजिकल चेकिंग के दौरान चावल और गेहूँ की जो क्वांटिटी होना था उससे कम पाई गई। उस पर से उनके द्वारा अनियमितता के संबंध में अपराध पंजीवृत कराया गया। धारा 3/7 EC Act का आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीवृत कर विवेचना में लिया।